अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी क्लास में कोई रिपीटर स्टूडेंट है और उसकी इन्फॉर्मेशन आई है कि ये रिपीटर स्टूडेंट है, तो उसे उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है देखिए। यहाँ पर सबसे पहले अपनी क्लास को सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी क्लास है, और उसके स्टूडेंट को यहाँ पर जो हमने वैलिड आधार वैलिड है उसके अंदर आप लोगों को दिखाई देगा। रिपीटर स्टूडेंट जो है तो लिस्ट में नज़र आएगा आप लोगों को। देखिए, उसके सामने इस तरीके से यहाँ पर एक पूरा सेलेक्ट किया होता है। जैसे मेरी क्लास में एक स्टूडेंट है जिसका नाम है जीलानी, तो मैं यहाँ पर जीलानी जो है वो रिपीटर स्टूडेंट में उसकी लिस्ट में आ गया है, तो मैं जीलानी को यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर देखिए जीलानी, ये जीलानी के आगे यहाँ पर पहले ब्राउन कलर का एक पूरा निशान था और ये रिपीटर हमको बता रहा था। तो उसके लिए क्या करना है आप लोग, सबसे पहले हमें डैशबोर्ड पर जाना है, स्कूल डैशबोर्ड पर। स्कूल डैशबोर्ड में जाने के बाद अपनी क्लास के सामने हमें आना है। जैसे यहाँ पर मैं अपनी 7A के सामने आया हूँ और व्यूअर मैनेजमेंट पर देखना है। व्यू मैनेजमेंट पर जाने के बाद मुझे यहाँ पर जीलानी का अगर प्रॉब्लम है, जीलानी स्टूडेंट नाम का बच्चा है ये, तो मैं जीलानी के सामने आऊँगा और ईपी वाला जो है, ईपी वाला कलम, सेकंड नंबर पर मैं क्लिक करूँगा। सेकंड नंबर पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर इस बच्चे को मैंने जो सिलेक्ट किया था यहाँ पर, ये 4.2 पर मुझे क्लिक करना है और ये न्यू एडमिशन था, तो न्यू एडमिशन को मैंने यहाँ पर पहले कर दिया था स्टडीड एट करंट सेम स्कूल, के सेम स्कूल में ही पढ़ता था और नया एडमिशन भी हुआ है, तो ये गलत हो गया था मेरे से। तो यहाँ अगर आपका कोई ऑप्शन उस बच्चे से रिलेटेड अगर गलत रहा होगा तो उसको यहाँ पर करेक्ट करना है, और करेक्ट करने के बाद इसको सेव पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से वो बच्चा जो आपसे गलत हो गया था, रिपीटर में आ गया था, वो वहाँ से हट जाएगा। तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।